परेशानी ना आए। अब देखो ब्रह्मो के तुम बेटा, तेरे पिता ने कुछ नहीं बोला क्या? हाँ कुछ नहीं बोला तो बेटा संसार में अब तेरा पिता कोई नहीं। सबसे और सबका पिता एक ही परमात्मा, तो उसकी शरण में जा बेटा। क्या लगे मां, मैं तो ये भी नहीं जानता कि भगवान कहां रहता है कैसा है। मैया बोले बेटा नवपाताल धराधर में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो बेटा तू भगवान की गोद में जा और तेरा कोई नहीं है। तो मां मैं तो ये भी नहीं जानती भगवान कहां रहते हैं कैसे हैं। कि बेटा नवपाताल धराधर में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान न हो। चार भुजाएं दुखशीलो मात्र दोषेन, दुखशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषेन कार्पण्ये आत्मदोषाद् दरिद्रता। बालक माता के कारण चरित्रवान होता है, जिसकी माता चरित्रवान होगी पुत्र भी चरित्रवान होगा। पितृ दोषेन मूर्खता, पिता के दोष के कारण बच्चा मूर्ख होता है। वंश दोषेन कार्पण्ये, वंश के दोष के कारण बच्चा कायर होता है। अगर वंश कायर होगा तो बच्चा भी कायर होगा, वंश वीर होगा तो बच्चा भी वीर होगा। आत्मदोषाद् दरिद्रता, और अपने दोष के कारण बच्चा गरीब और अमीर होता है। गरीब और अमीरी में कोई दोष नहीं लिया गया है, उसमें उसके ही कर्म का दोष है। संस्कारी था ध्रुव, मैया ने बताया ध्रुव जाने लगे। बनखड़ में पहुंचते ही आगे नारद जी मिले। कहे बेटा तेरी 5 साल की अवस्था है, तेरे माता पिता को हम समझाएंगे, चला जा। कहने लगे एक बात बताओ, मैं माता से तो आज्ञा लेकर के आया हूं, मैं लौटूंगा नहीं, मैं भगवान के दर्शन करके लौटूंगा। तेरा कोई गुरु भी है? गुरु तो नहीं है, तो बेगर गुरु को कैसे मिलेगा? आज नारद जी स्वयं गुरु बनते, द्वादश मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जप करना है और कहां जाना है देखो, कर्म प्रधान है सरस्वती, भक्ति प्रधान है यमुना और ज्ञान प्रधान है गंगा। अगर साकार ब्रह्म की प्राप्ति करनी है राम कृष्ण विष्णु की कृष्ण की, तो यमुना के किनारे भजन करें। कर्म में प्रवीण होना है तो सरस्वती के, और मुक्ति का उपाय सोचें तो ये ज्ञान गंगा है, तो वहां ज्ञान गंगा पे जाकर के करें तो मुक्त हो जाओ। आप दोनों साकार ब्रह्म की उपासना करनी है, इसलिए बताने लगे कि तस्मात गच्छं भद्रे, तस्मात गच्छं भद्रे यमुना याम शतम सुरम पुण्यम मधुम यत्म सानिध्याम नित्यजा हरे। कुछ दूरी पर यमुना है मधुवन है, वहां जाकर के इस मंत्र का जप करोगे तो भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई द्वारा नहीं। ठीक, द्रव महाराज जी यमुना के किनारे पर आए, यमुना के किनारे पर भजन करने लगे। अब उन्हें निश्चय किया कि मेरे को प्रभु की प्राप्ति अवश्य करनी है, तो एक महीने में 3 दिन का आसन लगाया, कुछ रोटी वगैरह खाई। दूसरे महीने में संयम रहा है, 6 दिन का आसन लगाया, फल फूल खाए। तीसरे महीने में 9 दिन का आसन लगाया, सूखे पत्ते खाए। चौथे महीने में 12 दिन का आसन लगाया, जल पी करके रह गए। पांचवें महीने में
वायु का भक्षण किया और छठवां महीना लगा तो उन्होंने वायु को ही रोक लिया और दृढ़ संकल्प करके बैठ गए कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आसन से हटूंगा नहीं। जब रघु जी ने सांसों को भी रोक लिया तो सारे विश्व की सांसें बंद हो गई। नारद जी देखो कौन है ऐसा, नारद जी आए तो वो भी द्रव की समाधि लगी हुई है, महाराज एक तुम्हारो शिष्य है। भगवान आए क्या करने लगे, कैसे जगा, कुछ बना नहीं। भगवान ने उनके कपोल पर संघ की ध्वनि की, जब संघ की ध्वनि की एकदम के नेत्र पर जो मैया ने रूप बताया था चतुर्भुज, आज वही रूप सामने है। विष्णु भगवान ने ब्रह्म को अपनी गोदी में ले लिया, बेटा मेरी गोदी से बढ़कर के और कोई गोदी नहीं है, अब बोल तेरी क्या इच्छा है। तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारी तो गोदी है आ गया और पित की गोदी से ऊंचा स्थान मिले कोई, तुम्हारी गोदी से ऊंचा स्थान भी नहीं है भाई। पिता की गोदी से तिरस्कार हुआ और परमात्मा की गोदी में बैठ गया, इससे बड़ा और स्थान मेरे लिए क्या होगा। यही दो चीज मांगी थी, पित की गोदी से ऊंचा स्थान मिले और मेरी मां के आंचल में खुशियों के फूल खिले। मेरी मां दुखी है, ठीक है बेटा सारे काम होंगे, अब तुम जाओ राज्य करो, उसके बाद मेरे धाम आओ। द्रा भगवान की प्राप्ति करके वापस आए, जैसे राम 14 साल के बाद आए थे तो कई महलों में अलग रो रही है कुंडी बंद करके कि मैं राम से कैसे निगाह मिलाऊं, मैंने राम को वनवास दिया था और राम आ गए, मैं मौत खाने काबिल नहीं। पर राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम ने तो कौशल्या से मिले न सुमित्रा से मिले, सबसे पहले राम के कैसे, इसके मन में कोई मेरे पति को भाव नहीं जाए। के की कुंडी खुलवाई, आज के कई उल्टी राम के चरणों में गिर पड़ी, बेटा मेरे को क्षमा मां, क्षमा तो मेरे को मान ले जाए, तू तो मां है पर गलती तो गलती होती। उसके अंदर से सारी कालामी को भगवान ने निकाला। इसी प्रकार जब भगवान की प्राप्ति करके द्रव जी लौटे, आज सुनीति घबरा रही है उस द्रव से मैं कैसे नेत्र मिलाऊंगी, कैसे बोलूंगी, मैंने क्या क्या शब्द बोले, धक्का दे दे करके घर से निकाला, कुवचन भी बोले, पर नहीं द्रव संस्कारी था। द्रव सीधे अपनी मां सुनीति के पास नहीं गए, सुरुचि के पास। आज बेचारे सुरुचि को संतुष्ट किया के मां घबरा, आज उसका भी मैल समाप्त हुआ, सबसे मिले पिता से भी मिले, एक हाथी मंगवाया, नगर की परिक्रमा लगवाई, उत्तरपाद ने द्रव के लिए राज कर दिया। उत्तरपाद कुछ आगे चल करके तप करने के लिए चले जाते हैं, द्रव का विवाह एक ब्रह्मी नाम की कन्या थी उसके साथ हुआ। एक बार इनका भाई जो उत्तम था वो लड़ने के लिए गया था और यवन उन्हें समाप्त कर दिया, तो द्रव जी सेना लेकर के यवनों से लड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ता में इनके पिता मनु मिल गए, कह गए रे भैया एक बार बताओ, आप संत हैं, संतों का कार्य ये होता है किसी को मारते ही, और तो एक बात बताओ कौन किसको मारता है कौन किसको मरवाता है, आत्मा तो अजर अमर है कैसी है। कि नैनम छिदंती शस्त्राणी,
नैनम तहत पावक न चक्र व्यंतुर शोषति मारुत। ये तो आत्मा ऐसी है कि नैनम छेदंती शस्त्राणी कोई शस्त्र नहीं काट सकता, नैनम तहत पावक अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता, न शोषति मारुत हवा नहीं गला सकती सुखा सकती। ऐसी वो आत्मा है, किसको मारने के लिए जा रहा है? आज इनके बाबा मनु जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया, वापस आ गए। आज धीरे धीरे पूरा राज किया, उसके बाद में अपने पुत्रों को राज देकर के ध्रुव जी गंगा के किनारे बुढ़ापे में तप करने के लिए चले। तो ऋषिकेश में जाकर के ध्रुव जी ने बुढ़ापे में तप किया, वहां गंगा कलवर कलवर की आवाज करती है, कहने के माल तो विक्षेप करके मैं चलता हूं। गंगा बोली, बेटा रुक, देख तीर्थों को पवित्र करने वाले संत होते, संत तीर्थों को भी पवित्र करते, जहां संत जहां तीर्थ राव, जहां संत होते हैं वहां तीर्थ राज प्रयाग होता है, और तीर्थों को पवित्र करने वाले तुमको पवित्र कौन करते हैं? संत को तीर्थ, और तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं संत। बेटा बहुत से पापी मेरे स्नान करते हैं पर कोई बह नहीं है, और तो जैसा संत जब मेरे में स्नान बना लेती हूं बना लेता है तो मैं पवित्र हो जाती हूँ, तू मोह छोड़ के मत जा। रहे नहीं कलवल कलवल की आवाज कि आज के अलावा मैं कभी भी तेरे भजन में फिक्र नहीं डालूंगी, आवाज नहीं। आप कभी जाओ ऋषिकेश में ध्रुव जी का आश्रम विराजमान आज भी है, सब जगह गंगा की अड़ रही अड़ आवाज हो रही है, पर जहां ऋषिकेश में ध्रुव का आश्रम है वह आज भी गंगा बिल्कुल शांत अवस्था में कोई आवाज नहीं। आज विमान आया ध्रुव के लिए मृत्यु के, क्योंकि विमान ऊंचा था चढ़ नहीं सकते थे, मृत्यु को बुलाया। आज मृत्यु के शीश पर पैर रख करके ध्रुव जी ने विमान में प्रवेश किया। आज विमान लेकर के स्वर्ग हो गया। देखो आज इसने मृत्यु को भी जीत लिया, ध्रुव जी ने मृत्यु के शीश पर पैर रख करके स्वर्ग में पहुंचे। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु मैं तो बुला लिया पर मेरी मां, अरे पागल, देख अपनी माता की बात छोड़, पिता की बात छोड़, जिस परिवार के अंदर तो जैसा भक्त पैदा होता है, एक पीढ़ी की बात छोड़ द्रव 21 पीढ़ी पार होती है। 21 वो कैसे? देख सात पीढ़ी तो तेरे बाप बाबा परबाबा परदादा वाली, सात पीढ़ी ननिहाल वाली जिस मां का गांव है उनका भी तो अंश है तेरे अंदर, और सात पीढ़ी शादी हो जाती है तो स्त्री की गांव, इस सात पीढ़ियों का लेख है जिस परिवार में एक भक्त पैदा होता है। तो तेरी मां तो तेरे से पहले देख मोरे, तो मैया सुनीति भजन करती मेरी तरफ, तार पात भजन करते मिले वैकुंठ। तो देखो जिस परिवार में भगवान का भक्त होता है उसके मां बाप को भी भजन करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं स्वर्ग में जाते हैं। कह लगे ये मेरा वैकुंठ है, इसके दरवाजे पर तुम्हारा स्थान है और ये अटल रहेगा, ध्रुव तारे के नाम से विख्यात होगा, सारे ग्रह उपभक्त है तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे। आज ये वो ध्रुव तारा वैकुंठ के दरवाजे पर है, ये ध्रुव ही की तपस्या है, जब तक ये सूर्य चंद्र जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ध्रुव जी अटल रहेंगे, सारे ग्रह उपग्रह की प्रदक्षिणा करेंगे। आगे चल करके सुखदेव के लिए राजा परीक्षित, एक बार नारद जी घूम रहे थे तो प्रचेताओं का मिलन हुआ कि
कहने लगे महाराज ये प्रचेता कौन थे और किसके पुत्र थे। सुखदेव कहने लगे ये प्रचेता धर्म के ही वंशज थे, इसी वंश में आगे चलकर के राजा अंग हुआ, अंग के बाद बैन हुआ। अंग सदाचारी था, बैन दुराचारी था। बैन के शासन काल में अधर्म बढ़ गया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, खत्म हो गया। बिगर राजा के प्रजा तो की होने लगी, उसके शरीर का मंथन किया। जब कट का मंथन किया तो एक काला पुरुष निकला, बाहों का मंथन किया, एक में से पृथु एक में से अर्ची, ये विष्णु लक्ष्मी के अवतार थे। ये पृथु साक्षात नारायण के अवतार हैं। पृथु महाराज ने नाना प्रकार के यज्ञ किए, पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी। आज पृथ्वी को गऊ बना करके और आज बछड़ा बन करके सारे रत्नों को धो लिया था, पृथ्वी को बिल्कुल समतल किया, जितने पहाड़ थे सारे उत्तराखंड में फेंक दिए थे पृथु महाराज ने। इनके एक पुत्र हुआ विजिताश्व, ब्रह्मा के उपदेश के कारण पृथु महाराज तप करने के लिए जंगल में चले गए। विजिताश्व के तीन पुत्र थे हिरक्ष धूम्रकेश और भृग। भृग के अंतर ध्यान का हृदय ध्यान के प्राचीन वह और प्राचीन वह राजा के यहां हुए प्रचेता। ये प्रचेता ये थे। इनको रुद्र गीता का उपदेश दिया शंकर जी ने, प्रसन्न हो गए। एक दिन प्राचीन वह राजा से नारद जी मिले, आपने यज्ञ तो अनेक किए, क्या यज्ञ से आपको शांति मिली है? नहीं तो हाँ, शांति यज्ञ से नहीं मिलती है, शांति किसे मिलती है? ज्ञान से। आज दृष्टांत देने लगे नारद जी प्राचीन वह राजा को कि देखो एक पुरंजन नाम का राजा था, इसके एक मित्र था अविज्ञात। जब दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, एक हिरण का शिकार किया तो हिरण कभी छुप जाता है, दिख जाता है, छुप जाता है, दिख जाता है। अपने मित्र विज्ञात को भूल गया और हिरण के पीछे जंगल में चला जा। हिरण भी मिला नहीं, रात्रि हो गई। अब विचार करने लगा कि मैं रहूं कहां। तो एक नौ द्वारों की नगरी मिली, दरवाजा खटखटाया, उसमें से कन्या निकली। कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम पुरंजनी है। कि आज की रात हम यहां रहना चाहते हैं? कि हाँ रहिए, कोई बात नहीं, रहो। आज पुरंजन रहने लगा पुरंजनी के साथ। इसका सिद्धांत समझते जाओ, ये पुरंजन कौन है? कोई और नहीं है, ये पुरंजन है जीवात्मा। इसका एक मित्र है अविज्ञात। अविज्ञात कहते हैं ईश्वर को। जीव का मित्र कौन है? ईश्वर। अविज्ञात कहते हैं छुपे हुए को, यानी ईश्वर दिख नहीं रहा है फिर भी छुप करके हर समय जीव की रक्षा करता रहता है। पर ये जीव जब हिरण का पीछा करता है, हिरण नाम है बासना का, जब ये जीव बासना के पीछे दौड़ता है, कामनाओं के पीछे दौड़ता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, तो ये अपने मित्र विज्ञात ईश्वर को भूल जाता है। जहां इच्छाओं के पीछे दौड़ा वो ईश्वर से वृत्ति हटी। आगे नौ द्वारों की नगरी क्या है? ये शरीर एक नौ द्वारों की नगरी है। इस शरीर में नौ द्वार है, दो आंख, दो कान, दो नखवा, छह और मुंह, सात गुदावर है, नौ द्वार। ये नौ द्वारों की नगरी शरीर है, इसमें पुरंजनी कौन है? बुद्धि है। और इसी में पुरंजन रह रहा है जीव आत्मा पुरंजन। आज पुरंजन पुरंजनी के साथ रमण करने लगा। इस शरीर में रह रहे हो, पुरंजनी के साथ रमण कर रहे हो, सबको भूल गए।
घूमते घूमते एक बार एक कन्या जरा नाम की माला लेकर के घूम रही थी। कहने लगी मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। पुरंजन बोला कि मेरी तो शादी हो गई कि नहीं मैं तो जबरदस्ती करूंगी। कन्या कहने लगी मैं तो जबरदस्ती माला डालूंगी। पुरंजन के मने करने पर भी जरा नाम की कन्या ने जबरदस्ती गले में माला। ये जरा क्या है? ये जरा नाम की कन्या से कोई विवाह करना नहीं चाहता है, पर ये जरा नाम की कन्या तो जबरदस्ती गले में माला डालती है। जरा कहते बुढ़ापा, समझते हो? जरा नाम बुढ़ापा। कोई आदमी ये चाहता है कि मेरी बुढ़ापे के साथ शादी हो जाए, अर्थात तो मेरे में बुढ़ापा आ जाए, कोई चाहता है? बताइए, कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? पर ये तो जबरदस्ती कर जाता है। क्यों? कि जब ये जीव विषयों में रमणीक रहता है, विषयों में ढुलकी लगाता है, तो बिगर इच्छा के बुढ़ापा अपने आप गले में माला डाल दे। जबरदस्ती आता है बुढ़ापा, बिगर इच्छा के बुढ़ापा आता है। आज जरा नाम की कन्या भी रहने लगी, उसका भाई था एक प्रज्वल। कहेगा कि मेरी बहन को काफी दिन हो गए, अभी लौटी नहीं है, कोई राजी खुशी नहीं है, चलो मैं राजी खुशी लेने के लिए जाऊं। अब रात यार घर पे आवे नए आवे और सारो तो बहुत प्यार लड़को है ना। जरा राम की कन्या को भैया हो प्रचार, बड़ी सेवा है। सुबह के टाइम पे नंबो बढ़िया कश्मीरी सेब को नाश्ता, बादाम को हलवा, बढ़िया तरह की सेवा है रही है। अब नाते वालों का ही जा रहे भैया, जब ऐसे काम होंगे तो प्रचुर कार्य कहते सर बुखार पहले आवत हो बुढ़ापो और बुखार और बुढ़ापे। जरा नाम की बहन के भैया को नाम प्रज्वल बुखार ने का खेत का डोल आयो। अरे वो तो करी तो सोच डर को खाट। अब चाप छेदना है कि बुखार आ गए हो, बढ़िया का ताग छायो। बोले ने जो मोहे सर ने को बढ़िया सी ठीक है चंदी नमक की बनाओ, बढ़िया से बनाओ, बड़ी खात रह गई। तो अब नातेदार कौन से कहते हैं? नातेदार कहते जाते कौ प्रकार को नातो। अब नातो तो जुड़ी होगा ते। अब विचार करोगे जवा की ऐसी सेवा है रही है बुखार की, नातेदार की तो वो काई जावे को छोड़ के, तो नातेदार कब जावे को खरेरी खाट दे दियो, लाल मिर्च की बिगर नौन की चटनी दे दियो, खुली रोटी दे बोले तो सवेर गया भैया राम राम मैं तो जहर। जैसी बुखार आवे तो ये सेवा मत करो, पसारी पेटे करगो चिराए तो लाओ दो रुपया को, आधी किलो पानी को ले जा 100 ग्राम बहुत करगो हो तो है एकदम पी लियो। सवेरे तो यो क्यों कहोगे भैया मैं जहर हूं तो छोड़ के बनाती हा। अब बुखारे महीना दो महीना है गए। जरा नाम की भाई का नाम प्रद्वत था, पिता का नाम कालदेव। अब कालदेव ने सोची कि भाई ने छोड़ी हुई छोड़ा हुई, चलो अब मैं राजकुशी ले चलू। अब कालदेव आए, कालदेव साक्षात काल का स्वरूप है। देखो अब जा जीवे कालदेव ले जा। तीसरे बारंट पे छोड़ तो ना है। एक उदाहरण समझाऊं, कोई आदमी किस्तन पे ट्रैक्टर ले आयो,
सुनियो किस तरफ है। अब मां से किस्त नहीं भरी, कंपनी वाव भेजत हुए नोटिस सूचना पत्र, किसान हो जाओ फलानी तारीख को इतने रुपए भर दो नहीं कुर्की वारंट हो जाएंगे। हाँ देख रहे पीगो, फिर दूसरा पीगो, तीसरा चौथी बार का कर तो है कि ट्रैक्टर खींच के ले जा तो कुर्की वारंट बोल दे तो है, तो जिस शरीर में जो है हमें किस तरह में कौन देवा है कि कब हो कि करे करुणा नर दे ही देते ही सविन हे तसने ही। ये भगवान ने हमें शरीर दया है हमारो ना है जी भगवान है, और ये कृष्ण पे दया है। आप विचार करो कि कहो की 60 की, कहो की 80 की, कहो की 50 की, कहो की 40 की, कहो ने अभी तक जाके कोई किस्त भरी है का बताओ भरी हो कोई किस्त ना है। तो भगवान नोटिस भेज रहे हो तुम्हें सूचना कर रहे है, पहला नोटिस कहा भेजो बार भक्क सफेद सूचना है जी बार सफेद ने की दे बुरा तो आए वो अब कुछ मोमा सोच के जुदे पर जी काकर तो जी वो सफेद बार ने के बजाय ढाई लगवाया मत पहली तो ज्यादा कार्य कर ले तो है पीगो पीगो पहली किस्त है। दूसरी बात दांत ना घर के बाहर आएगी दांत उखड़ेगी कोई दांत ना है बुट्टो है वो अब वो सोच दे मुंह में ये कोई दांत ना है कछु दे मैंने तो ये मनुष्य नहीं तय हुआ है तू बाधा करके आयो किस्त भरूंगा ये को किस्त ना भरी देने बढ़िया बत्ती सी दवा लावत हो रही है। तीसरा आखिर में मोतिया बिंदु आगो दीख दीख रहा है अब बोलू उनको ऐसे कैसे अरे भैया तो हाँ की गई जा मतलब जी है कि तीसरा बारन तो भेज दो दीख भी तो बंद है गो कछु सोच वो माहू लेंस डरवाया मत तो बढ़िया सो गौर पीगो भगवान बोली भाई यार बार बार सूचना कर रहा हूं बार बार नोटिस भेज रहा हूं पर ये मोह तो बिल्कुल ही ना सोच रहा। अब साक्षात काल बन के आमत है ये देखो एकदम का सीट दे हुए ले जाते एक बात है जो मन में होती है वही तो निकलता है। प्रंजन के हृदय में कौन बसी हुई थी प्रंजनी तो अब को राम राम राय कह रहा हो जब काल में उसके प्राणों को खींच रहे थे तो हा प्रंजनी हा प्रंजनी हा प्रंजनी कहते कहते प्राणांत हुआ तो अंत काले चमामेव इस मर मुक्ता करे वरम। अंत काल में जैसी मति तैसी गति होती है कोई आदमी यह न समझे कि हम पहले जन्म में आदमी हैं तो आदमी ही बनेंगे औरतें तो औरत ही बनेंगे ऐसा कोई रुझान नहीं है। ये मैया को आप ज्ञान हो कि हे भगवान ऐसो आदमी साधु जन्म में मिले यो चौना कह रही कि तू मेरी बहू बने अगले जन्म में मैं तेरा आदमी बनू यो चौना कैसे बचे कोई जी गारंटी कि तुम स्त्री बनोगी प्रमाण मिल रही आज पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बनो। एक भद्रव देश का कर्मकांडी ब्राह्मण था उसके यहां यही पुरंजन जब स्त्री के विलय